मेहता नर्सिंग होम हॉस्पिटल की लापरवाही के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत। परिजनों ने हॉस्पिटल डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप। मथुरा सीएमओ को परिजनों ने दिया शिकायती पत्र। हॉस्पिटल संचालक व डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग की। मथुरा के सीएमओ ऑफिस अपनी शिकायत लेकर पहुंची। यह महिला मथुरा की रहने वाली मीनाक्षी ने लिखित में सीएमओ कार्यालय में मथुरा के कृष्णा नगर स्थित मेहता नर्सिंग होम के खिलाफ प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मीनाक्षी के मुताबिक उसकी छोटी बहन मोनिका को डिलीवरी के लिए उन्होंने 19 मार्च को कृष्णा नगर स्थित मेहता नर्सिंग होम में अपनी छोटी बहन को दिनांक 19 मार्च को सुबह लगभग 10:30 बजे भर्ती कराया था। 20 मार्च को मोनिका ने एक बालक को जन्म दिया। मीनाक्षी का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से बच्चा नीचे गिर गया, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई है और डॉक्टर ने उसे मृत मानकर नीचे जमीन पर ट्रे में पटक दिया, जो कि लगभग आधे घंटे ऐसे ही पड़ा रहा। बाद में जब जच्चा बच्चा का हाल जाने के लिए मीनाक्षी डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे में कुछ नहीं है। उन्होंने जिद की यदि बच्चा मृत है तो उन्हें मृत बच्चे को ही दें। लेकिन जब मीनाक्षी ने बच्चे को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बच्चे की सांसें चल रही थी, वह हाथ पैर हिला डुला रहा था। इसे देख तुरंत मीनाक्षी ने डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर बोले कि बच्चा बचने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका कोई उपचार नहीं किया है। काफी देर मीनाक्षी ने बहस की और उसके बाद मथुरा के एक अन्य बाल शिशु विशेषज्ञ के यहाँ उपचार के लिए बच्चे को लेकर गई, जहाँ बच्चे का 3 दिन इलाज चला। सीरियस हालत होने के कारण बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया। सुबह भर्ती के बाद बच्चे का उपचार चलता रहा और 23 मार्च की रात को बच्चे ने दम तोड़ दिया। मीनाक्षी ने एक वीडियो भी मीडिया को दिया, जिसमें उनकी मेहता नर्सिंग होम की ओनर गीता मेहता से बातचीत का जिक्र है। इस बातचीत के वीडियो में आप खुद सुनिए कि डॉक्टर कितनी लापरवाही पूर्ण ढंग से ये कह रही है कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, पैसा खर्च करना चाहो तो बात अलग है। इसमें डॉक्टर यह कहती भी सुनी जा सकती हैं कि जिस बच्चे में बचने की उम्मीद होती है हम उसी का इलाज करते हैं। वहीं उनके इन तर्कों का मीनाक्षी ने खंडन करते हुए कहा कि जब तक बच्चे में आखिरी सांस है तब तक उसका इलाज किया जाना चाहिए। वीडियो में डॉक्टर से बातचीत के दौरान मीनाक्षी ने कहा कि मेहता नर्सिंग होम के डॉक्टर की घोर लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। शायद अगर वह सक्रियता दिखाते और बच्चे का तत्काल उपचार करते तो उनका बच्चा उनके बीच जीवित होता, मगर मेहता नर्सिंग होम के चिकित्सकों की लापरवाही के चलते आज उनकी बहन का 7 साल बाद हुआ बच्चा अब उनके बीच नहीं रहा। मीनाक्षी ने कहा कि ऐसे लापरवाह चिकित्सक और हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि किसी अन्य दूसरी महिला के साथ ऐसा ना हो। रिपोर्टर टाइम्स की मथुरा से। रानी जितना वेट बच्चे का जी उसमें कुछ नहीं हो सकता, वेट वेटर से भी आपका सिर्फ पैसा खर्च होना है और कुछ नहीं होना। नहीं मैडम देखो, जब तक वो कहते हैं ना जब तक सांस रहती है तब तक आस रहती है, और बच्चे को देखो मूवमेंट यहीं पे था, बिना वेंटिलेटर के बच्चे में मूवमेंट था, अच्छी खासी ऑक्सीजन है। वेंटिलेटर के मूवमेंट है तो मतलब ये नहीं कि बच्चा बच सकता है। बच्चा बचने की कोई उम्मीद होती है तो हम ट्राई करते हैं, जिस बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं होती उसको कोई फायदा नहीं है। तो क्या मैं मतलब जिंदे बच्चे को फिर वहाँ जमुना जी फेंक के आ जाते जब बच्चे में रेस्पिरेशन है? लेकिन कम से कम 8 घंटे तक वो ट्रे में पड़ा रहा नीचे। मैडम देखो मेरी कोई बात नहीं है, मैं भी मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ, ये समझ लो कि आपके मेरी एक ही बात है। लेकिन अदरवाइज कोई पेशेंट होता है तो जिस बच्चे में बचने की उम्मीद होती है उसको तुरंत नर्सरी में शिफ्ट कर दिया। नहीं मैडम, जब बच्चे में रेस्पिरेशन है तो आप मुझे कम से कम इन्फॉर्म, ये डिसीजन तो मैं लूँगी कि मुझे पैसा खर्च करना है कि नहीं करना, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ। जब तक मेरे बच्चे में सांस रहेगी तब तक चाहे कितना भी पैसा लगे मैं खर्च करूँगी। 8 घंटे तक बच्चा रहा उसमें, बचने की उम्मीद होती है उसमें। मैडम जब तक बच्चे में रेस्पिरेशन है तब तक बच्चे में बचने की उम्मीद रहती है। 7 मंथ का बेबी है, मैंने कितने बच्चे में गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करती हूँ और एक ऑक्सीटोसिन एपिटोसिन से मैं डिलीवरी करती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं ये सारे चेक भी करते हैं, और देखना पड़ता है कि उसमें कितनी उम्मीद है। रेस्पिरेशन बच्चे में प्रॉपर है, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, डॉक्टर पी आर गुप्ता सर के यहाँ एडमिट है बच्चा। हाँ। उससे पहले 1 घंटा मैंने यहाँ बिना वेंटिलेटर के डॉक्टर पी गुप्ता सर के यहाँ रखा है। हाँ। बच्चे ने रास्ते में सुसु किया है, खूब रो रहा है, खूब मूवमेंट कर रहा है,
वो एक बात की बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी हम ये नहीं सोच सकते कि बच्चे में रेस्पिरेशन है कि हम उसे डेड डिक्लेयर कर दें, नहीं कर सकते मैडम। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके सारे स्टाफ को पूछे, मैंने नीचे ट्रे में से बच्चे को आध घंटे बाद खुद से मांगा है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो मरा हुआ, तो मैं ससुराल वालों को दिखा तो सकूं। नहीं, मेरे को तो मरा हुआ ही बताया सब लोगों ने, मेरे को तो डैडी बताया नीचे, मैंने जमीन जिंदे बच्चे को क्या जमीन पर नीचे पटक देते हैं सिस्टर। देखो ये आपके और मेरी बात है, कोई इसमें आपकी है मेरी कोई इंसल्ट नहीं हो रही, लेकिन किसी जिंदे बच्चे को ट्रॉली में रखा जाता है, उसके ऊपर एमओ बैग लगाया जाता है, उसको वो किया जाता है। जिस बच्चे में बचने की उम्मीद होती है तुरंत वेंटिलेटर के लिए चुप मैम। देखिए मैं तो मल्टी सुपर स्पेशलिटी में लेके आई और आपके ऊपर मैं बहुत विश्वास करती हूँ, आप बंद करके विश्वास करती हूँ। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैम मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती आपको, बस इतना अच्छा प्रैक्टिशनर डॉक्टर, मतलब अगर ये होने लगेगा इतने अच्छे प्रैक्टिशनर डॉक्टर के यहाँ, तो बाकी सब में क्या होगा मैम आप ये बताइए। रेस्पिरेशन जिस बच्चे में है उसको मैं क्या समझूँ, एक सांस भी जब तक रहती है तब तक इंसान कोशिश करता है अपनी, और मैं इतनी कैपेबल हूँ 10 लाख लगेगा तो मैं खर्च करूँगी, जो आदमी 70,000 कमा रहा हो क्या मैं एक बच्चे को नहीं बचा सकती। मैडम ट्राई तो किया जाता है, वो सेकेंडरी है कि वो जब बाद में कुछ नहीं रहता, मैं देखो ये मेरी और आपकी बात है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अदरवाइज किसी भी पेशेंट के साथ उसके अगर कोई ऐसा पेशेंट है उसके तुरंत गार्जियंस को सौंपो कि ये बच्चा है, आप चाहो तो इसको ट्रायल कर सकते हो। मैं बस आपको वो देना चाह रही हूँ बस, बाकी और कोई नहीं है। मशीन में रख देते हैं हमारे पास वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ है, मगर नहीं मैम मुझे पता है कि आपके पीडिया उसका दोनों है इसीलिए, और आपकी प्रैक्टिस में मुझे कोई वो नहीं संदेह नहीं है, मुझे पता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज इतने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हुई, इस बात का मुझे वाकई में हमेशा दुख रहेगा। मैं कितने पेशेंट यहाँ भेजती हूँ मैम, आज पता है अभी मेरा बच्चा ये समझ लो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको फोटो नहीं खींच के लेके अंदर जाने नहीं दिया, 140 तो उसका रेस्ट वो आ रहा है हार्ट बीट, ठीक है 100 ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है और आप बताओ तो आपने मुझे तुरंत देना चाहिए था ना, मैं ट्रायल तो करूँगी, मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च करके सर्टिफिकेशन तो करूँगी, मेरी बहन पागल हो जाएगी, वो इतनी सौकड़ा है, बार बार मुझसे कह रहे थे कि हार्ट बीट चेक कर दीदी चेक करवा दी, मेरी हाँ ठीक है, मैं उसे बार बार कह रही हूँ वो कोई बात नहीं मैम। देखो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ, वो अटेंडेंट डिपेंडेंट, वो अटेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो कैपेबल है कि नहीं है, वो क्या करेगा वो बात की बात है, लेकिन सीरियस पेशेंट है तो उसको सौंप दो, हम तो यही करते हैं। मैं गवर्नमेंट में हूँ, कुछ हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं रहती, नील बटन नील रहती है, लेकिन उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि मरीज हमसे ना दोस्त दे कि मतलब ये हुआ। जिस बच्चे में बचने की उम्मीद होती है उसमें तो ट्राई, मैडम जिस बच्चे में ऑक्सीजन बताओ रेस्पिरेशन है उसको आप ये कह रहे हो, ठीक है आपकी उम्मीद एक ही बात है, लेकिन मतलब मुझे दुख बहुत हुआ मैम, आध घंटे तक मेरा बच्चा नीचे ट्रॉली में पड़ा रहा। ऐसा होता है मोस्टली लोग ट्राई नहीं करना चाहते जिस उम्मीद में। मैं तो ये समझ लो, मैंने तो आपसे क्या कहा था कि मैम आप वेट मत करिए, आप डिसीजन लीजिए। बताइए आपका नाम बताएं। मेरा नाम मीनाक्षी बघेल है। जी बताएं, आपके द्वारा CMO मथुरा है उनको एक एप्लीकेशन दी गई है शिकायत को लेकर, और वह एक हॉस्पिटल की शिकायत, क्या मामला है? मामला ये है भैया, डॉक्टर गीता मेहता मैडम जो है उनके यहाँ पे मेरी सिस्टर को 19 तारीख को हमने एडमिट किया, एक्चुअली उसको ना पेन स्टार्ट हो गया था, 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी, तो हमने एडमिट किया मैडम के यहाँ पे, तो एक दिन वो एडमिट रही, दूसरे दिन सुबह 20 तारीख को फिर उसको तेज़ दर्द होने लगा, तो मैडम बोली कि हमने मैडम से कहा कि मैडम आप देखिए क्या डिसीजन लेना है, डॉक्टर साहब बोले कि देखती हूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि इसकी डिलीवरी होगी, ठीक है हम लोग डिलीवरी के लिए तैयार हो गए। अब डिलीवरी करते वक्त जैसे सिस्टर का कहना है कि उनसे डिलीवरी करते वक्त बच्चा गिर गया ज़मीन पर, ज़मीन पे गिरने के बाद कुछ बच्चे के चेहरे पे कुछ चोट भी है, चोट के निशान भी हैं, उसके बाद भैया हम लोगों ने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या हुआ है, मैडम बताइए बच्चे की कंडीशन कैसी है, बहन की कंडीशन कैसी है, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद में भैया मैंने बच्चे को मांगा तो उन्होंने बच्चा भी मतलब नहीं दिया, समथिंग आध घंटे बाद मैंने बच्चे को मतलब काफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने बच्चे को दिया, तो मैंने देखा कि बच्चा ज़मीन पर नीचे ट्रे में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है, और उन्होंने तो मरा समझ के बच्चे को पटक रखा था। अब मैंने जैसे बच्चे को गोद में लिया तो उसने हल्का सा मुंह हिलाया तो देखा कि उसमें रेस्पिरेशन है, तो हम लोग तुरंत से मैं और मेरे हस्बैंड लेकर के उनको पीके गुप्ता के यहाँ गए, डॉक्टर पीके गुप्ता सर का हॉस्पिटल पास पड़ता है वहाँ से कृष्णा नगर में। आज से पौन घंटे बाद भी हमने उनसे बात की, जब हमने उनसे कहा जैसा भी हमारा बच्चा हमारे सुपुर्द करें, उसके बाद हम लोग वहाँ लेके गए डॉक्टर पीके गुप्ता सर के यहाँ पे,
तो देखा कि बच्चे का मतलब रेस्पिरेशन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो वहाँ से फिर हम लोग डॉक्टर पी आर गुप्ता सर के यहाँ ले गए। वहाँ वेंटिलेटर बच्चे को शिफ्ट किया और 5 दिन तक बच्चा बिल्कुल सही हरकत में रहा, मतलब दूध भी पिलाया उसको, पल्स ऑक्सीजन उसका सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। अब वो गिरने की वजह से और उन्होंने कोई उसको प्राथमिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जो बच्चे को दिया जाता है, जैसे मावत सक्सनिंग किया जाता है, जो गंदगी मुंह में चली जाती है उसको निकाला जाता है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया उसको। मतलब ये समझ लीजिए कि जो गंदगी थी जैसे कि तैसा ही बच्चा हमें मिला, उन्होंने कोई साफ़ सफाई नहीं की, जैसे उनके हिसाब से जो भी वहाँ व्यवस्थाएँ रहती है उसके हिसाब से जो प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर वो दे देती तो शायद आज मेरा बच्चा हम लोगों के बीच में होता। उनकी लापरवाही की वजह से बच्चे के जो मुँह में गंदा पानी चला गया उसकी वजह से बच्चे को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी। हम लोग वहाँ डॉक्टर पी आर गुप्ता सर के यहाँ 5 दिन तक एडमिट रखने के बाद हम लोग जयपुर ले गए। ब्लड चढ़ने की वजह से बच्चे की हालत अचानक से बिगड़ गई और बच्चा एक्सपायर हो गया। क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेकर आपको? मैं यही कहना चाहूँगी जो घटना मेरे साथ घटी है वो अन्य किसी के साथ ना घटे, क्योंकि हर आदमी यही उम्मीद करता है कि Yeah, yeah.